नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित चौधरी, गांव सुपरताल, जिला सहारनपुर। ये मेरे पास 15023 है जो मैंने मार्च में लगाया था, और आप गन्ने की मोटाई ग्रोथ देख सकते हो। मैंने ये पिछले साल शुरुआत की थी इसकी, थोड़ा बीज लेके, लेकिन मैं पिछले साल इसमें फेल था, और फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार और इसको लगा लेते हैं। तो इसमें जितने भी गन्नों की संख्या होगी वो सब बराबर है कि कोई इसमें बच्चा नहीं होता, बहुत कम एक दो कोई रह गया होगा तो रह गया होगा। तो ये मैंने 4.5 फीट पे मार्च में लगाया था, और इसकी जो रोग है, रोग इसमें बहुत कम है 38 के मुकाबले। इसमें पहले तो रोग कोई आया ही नहीं इस बार। शुरुआत में मैंने इसमें एम्प्लीको का प्रयोग कर दिया था। ये जो थोड़ा छोटा है गन्ना, ये ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ाई, ये टूटा हुआ है, ये बाद में फिर से तैयार हो गया। एम्प्लीको के बाद में मैंने इस पर एक दो स्प्रे और लगाया, कोई फंगीसाइड भी थोड़ा बहुत लगाया, बस ऐसे ही। इसमें रोग है नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसान इसे बढ़ाएं तो ये लाभकारी। ये जो 15023 बोया हुआ है मार्च का, ये है पेट्रो विधि पे। ये लाइन से लाइन की दूरी रखी गई है 5 फीट, और इसमें दो लाइन बोई गई है। ये 30 इंच पे दो लाइन है, और फिर पटड़े की दूरी है इसकी 5 फीट। पर मेरे हिसाब से ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा। मान लो अगर खेत की जुताई करनी है, किस इम्प्लीमेंट से करोगे? ये पटड़ा तो 5 फीट का हो गया, जो अंदर दो गन्नों की लाइन है जिनकी बीच की दूरी 30 इंच है, तो उसमें उसे कैसे करोगे? वो सबसे अच्छा है इसका 5 फीट या 4.5 फीट का आप बो। गन्ने की मोटाई रोग मुक्त गन्ना है। कुछ टेम्परेचर का सिस्टम है अभी इसके साथ में, ये जो ऐसे उसमें डालने में टाइम लगेगा थोड़ा, ये पीलेपन पर रहता है कुछ टाइम तक। जब बरसात शुरू हो जाती है तो फिर इस गन्ने पे कलर आता है। गन्ने की मोटाई देख लो आप, सब गन्ने इसके बराबर ही होंगे, बच्चा बहुत कम होगा गन्ने के अंदर। किसान भाइयों, ये जो गन्ना है 15023 का पेडी गन्ना है। पिछले साल जब ये पहली बार बोया था तो बिल्कुल खाली सा ही मान लो, क्योंकि रह गया था इसमें, कोई फुटाव नहीं आ पाया था, बहुत परेशानी हुई थी इसके अंदर। लेकिन इस बार इसकी पेडी बहुत अच्छी होगी, और पौधा भी, ये चलने वाला बीज है और बहुत लाभकारी भी साबित हो गई। और जो आप ये देखिए, ये शायद क्या 25-51 या 51-25 कुछ कैसा करके गन्ना है। आपको इसकी मोटाई किसी भी गन्ने की अभी देख लो, आप एक एक गन्ने की मोटाई अभी ये देखो किसान भाई, ये अभी कुछ फैक्ट्रियाँ इसको लेती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सहारनपुर ज़िले में फैक्ट्री है, ये सहकारी जी, सहकारी जो है एक ननोता, एक सरसावा मिल, वो इस गन्ने को रली में लेती है। और जो प्राइवेट है उन्होंने क्या किया होगा कि ये रिजेक्ट में कर दिया। लेकिन मैंने ये 15023 30 इंच पे बोया हुआ गन्ना है, छोटा और ज़्यादा इसमें टीरलिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये चौड़ाई पे बोने में ही अच्छा है, ट्रेंच पे। ऐसे बोओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ये फंस जाता है जल्दी, और फिर भी ठीक है। जैसा मान लो 30 इंच पे बोया था,
हाइट भी ठीक है, अभी है कोई 8-9 फीट के आसपास।